अस्सलाम वालेकुम, वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ मशीन डिज़ाइन इन कैट टू। वेलकम टू फिफ्थ सेमेस्टर एज़ वेल। आई होप के जो है योर एक्सपीरियंस इन द फोर्थ सेमेस्टर वुड हैव बीन गुड रिगार्डिंग दिस सब्जेक्ट। दिस इज़ द सेकेंड इंस्टॉलमेंट ऑफ दिस सब्जेक्ट एंड आई बिलीव एंड आई होप दैट दिस इज़ गोइंग टू बी गुड एज वेल। सो बिफ़ोर वी प्रोसीड थोड़ा सा जो है कोर्स को डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा सेकेंड कोर्स है मशीन डिज़ाइन का, जिसमें कुछ हमने बेसिक्स या इंट्रोडक्टरी कुछ चीज़ें पढ़ी थी कैट वन के कोर्स में, और कुछ चीज़ें जो हैं अब हम कैट टू के कोर्स के अंदर करेंगे। जो मेन कॉन्टेंट्स हैं मशीन डिज़ाइन एंड कैट टू कोर्स के, उसमें हमारे पास गियर्स है, बेरिंग्स हैं, स्प्रिंग्स हैं, सो और इसके अलावा जो है कुछ हमारे स्टैंडर्ड्स के ऊपर प्रेजेंटेशंस हैं, सो उसको हम देखेंगे आगे। ओके, सो स्टार्टिंग ऑफ जो है, चूँकि आप लोगों के इल्म में है कि हम आप लोगों के जो पहले फर्स्ट 8 वीक्स हैं दोज आर गोइंग टू बी वाया ऑनलाइन क्लासेस, और उसके बाद मिड टर्म के लिए आप ऑन कैंपस आएंगे, और उसके बाद जो है हम ऑन कैंपस लेक्चर्स लेंगे। आई हैव अ कन्वर्सेशन जो आपके एक्सटर्नल हैं उनके साथ भी मेरी कन्वर्सेशन हुई, और कुछ हमने जो है ये लास्ट टाइम कह लें कि मैंने नोट भी किया कि जो गियर्स का सब्जेक्ट था या जो गियर्स का टॉपिक था डैट रिक्वायर्ड मोस्ट ऑफ द टाइम या मैक्सिमम टाइम। सो वो हमने मैंने रियलाइज़ किया कि जो मैक्सिमम टाइम आपको इस टाइम अवेलेबल है वो वही है जब आप इसे घरों में इसको कर रहे हैं। सो इस वजह से जो है जो गियर्स वाला पार्ट है उसको हमने फर्स्ट हाफ में मूव कर दिया, और जो बाकी रिमेनिंग पार्ट है उसको सेकंड हाफ में मूव कर दिया। सो इसका फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए टाइम होगा, और जब आप ऑन कैंपस आएंगे तो तब भी आपके पास टाइम होगा कि अगर गियर्स के हवाले से कहीं कुछ कन्फ्यूजन रह गई है सो हम उसको कवर अप कर लें। आज चूंकि ये वीक 1 है सो आज हमारी कोशिश होगी कि हम आज के लेक्चर में तमाम इंट्रोडक्शन पार्ट इसका ख़त्म करें, उसके बाद जो है हम फोर्स एनालिसिस पे आ जाएंगे। फोर्स एनालिसिस होगा स्पर गियर का, हेलिकल गियर का, उससे नेक्स्ट वीक में फिर वॉर्म गियर और बेवल गियर, उसका फोर्स एनालिसिस होगा। उसके बाद जो है हम डिज़ाइन ऑफ स्पर गियर की तरफ आएंगे, फिर हेलिकल गियर, बेवल गियर, वॉर्म गियर, ये हमारा जो है बेसिक मेन हमने इसको कवर करना है। और अगर हमारे पास टाइम होगा तो हम क्लचेस को भी इसी पार्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट कर लेंगे, और अगर जो है अगर हमें टाइम ना मिला सो हम क्लचेस को जो वीक आपके मिट के बाद होगा, जो पहला लेक्चर आप लोगों का ऑन कैंपस होगा उसमें कवर कर लेंगे। ओके, सो ये जो है वीकली स्केड्यूल है। उसके बाद आपके सब्जेक्ट के तकरीबन 9 के करीब क्लास लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि आपके सामने हैं। सो बेसिकली हमारे पास ये जो कह लें कि हमने ये अभी कवर करना है, सो बेसिकली वी विल बी कवरिंग दीज फोर सीएलओस 2, 3, 4 एंड 5। CLO 1 जो है वो हम प्रेजेंटेशन वगैरह उसके थ्रू पूरा करेंगे। CLO 6 जो है वो उसमें चूंकि हमारे पास स्प्रिंग्स हैं, बेरिंग्स हैं, तो जब टॉपिक आएगा वो कवर हो जाएगा। उसके बाद CLO 7 है, CLO 8 है, अगेन जो कि रेस्पेक्टिवली स्प्रिंग्स और बेरिंग्स के हवाले से है, और उसके बाद CLO 9 है जो कि डिज़ाइन ऑफ क्लचेस के हवाले से। सो इस तरह जो है हमारा ये कोर्स कंप्लीट होगा। सो बिफोर फर्दर डू लेट्स जस्ट प्रोसीड टू टुडेज प्रेजेंटेशन स्लाइड्स, और हम जो है यहाँ से आज का लेक्चर फॉर्मली जो है स्टार्ट करते हैं फॉर दिस सब्जेक्ट। ओके, सो लेट्स जंप इनटू गियर्स। गियर्स बेसिकली किस वजह से यूज़ होते हैं? गियर्स आर बेसिकली यूज फॉर पावर ट्रांसमिशन। पावर ट्रांसमिशन में हमारे पास कुछ और मैकेनिज्म भी यूज़ होते हैं, हम चेन यूज़ करते हैं लाइक इन मोटर बाइक, द बाइसिकल, बेल्ट्स यूज़ होती हैं लाइक इन कन्वेयर बेल्ट्स, ठीक है, और उसके अलावा गियर्स है जो आपके पास मशीनरी वगैरह से रिलेटेड जो कॉम्पोनेंट्स होते हैं उनमें यूज़ हो रहे होते हैं। सो बेसिकली वही जो भी हमने डिस्कशन की कि पावर ट्रांसमिशन इज़ द मूवमेंट ऑफ, बेसिकली इट इज़ द मूवमेंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम इट्स प्लेस ऑफ जनरेशन टू अ लोकेशन वेयर इट इज़ अप्लाइड टू परफॉर्म यूजफुल वर्क। गियर जो है डैट इज़ अ कॉम्पोनेंट विद इन ट्रांसमिशन डिवाइस डैट ट्रांसमिट्स रोटेशनल फोर्स टू
अनदर गियर और डिवाइस। सो बेसिकली पावर ऑफ ट्रांसमिशन के लिए गियर यूज़ किया जाता है, लाइक अदर पावर ट्रांसमिटिंग मैकेनिज्म, जो कि अभी हमने यहाँ कवर अप किया। गियर्स की हिस्ट्री पे आ जाते हैं। गियर्स की हिस्ट्री जो है, इसमें हिस्ट्री में गियर्स का यूज़ जो है हमें 18th सेंचुरी में मिलता है, जब जो है वुड गियर्स वर यूज। दिस वुड गियर्स हैड टीथ दैट वर मेरली राउंड वुडन पेग स्टक इनटू द रिम ऑफ द सिलेंडर्स विच वर यूज। आप देख सकते हैं कि सिंपल एक सिलेंडर्स है और उनमें वो पेग्स जो हैं बेसिकली लगा दिए गए हैं। सो जब एक ड्राइवर गियर मूव करता था तो उसके साथ लाजम होता, ड्रिवन भी मूव होता था। सो ये हमारे पास जो है फर्स्ट एग्जांपल्स हैं हमारे पास पावर ट्रांसमिशन की थ्रू गियर्स। इन गियर्स का जो है कह लें कि जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था वो ये था कि इसमें स्मूथ पावर ट्रांसमिशन पॉसिबल नहीं थी, ठीक है। क्योंकि अभी हम आगे चल के एक फंडामेंटल हम कुछ लॉज ऑफ गियरिंग भी कवर करेंगे, सब देखेंगे बेसिकली उनको ये ओबे ही नहीं कर सकता था। अलबत्ता ये इसने हमें जो है कह लें कि एक हेड स्टार्ट दिया, जिसको बेस करते हुए आगे गियर्स के ऊपर वर्किंग की गई और गियर्स डिज़ाइन किए गए। अगर हम गियर की टाइप्स की बात कर लें तो हमारे पास तीन बेसिक टाइप्स हैं, पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है और नॉन इंटरसेक्टिंग एंड नॉन पैरेलल टाइप्स हैं। ये तमाम टाइप्स जो हैं हम डिस्कस कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द एक्सेस ऑफ शाफ्ट। अगर तो कह लें कि एक्सेस जो है गियर का दैट इज़ पैरेलल टू द एक्सेस ऑफ शाफ्ट, उसमें तीन टाइप के गियर्स आ जाते हैं, जिनमें स्पर गियर है, हेलिकल गियर है, रैक एंड पिनियन टाइप गियर्स जो हैं वो शामिल हो जाते हैं। इंटरसेक्टिंग के अंदर बेवल गियर है, क्योंकि वो 90 डिग्री का उसमें शिफ्ट आएगा, आगे चल के हम देखेंगे भी। नॉन इंटरसेक्टिंग एंड नॉन पैरेलल में हमारे पास वॉम एंड वॉम गियर है, जहाँ कह लें कि वॉम की लिटरल जो आपके पास एक मूवमेंट है उसको रोटेशन को बेसिकली उसमें चेंज कर रहे होते हैं। सो वो भी एक इंटरेस्टिंग जो है केस है, उसको भी हम जो है आगे चल के आज के लेक्चर में देखेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं हम स्पर गियर पे। स्पर गियर में जो है, जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया कि जो एक्सिस है ऑफ द टीथ इज पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो सिंपल जो है आपके पास कह लें कि दीज आर यूज टू ट्रांसमिट पावर फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर पैरेलल शाफ्ट। इसकी मूवमेंट जो है आप सिंपल जो एनिमेशन ये स्लाइड्स में चल रही है आप यहाँ से देख सकते हैं कि अगर हमारे पास जो ड्राइवर शाफ्ट है वो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो अपने साथ साथ जो ड्रिवन गियर है उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपने साथ साथ मूव करा रहा है। ज़्यादा स्पर गियर की यूजेज जो है आपके पास स्क्रू ड्राइवर्स हो गए, ऑसिलेटिंग स्प्रिंकलर्स, रैप, अलार्म क्लॉक, वॉशिंग मशीन्स, क्लोथ ड्रायर, ब्लेड वगैरह में, यानी कि इनफैक्ट जो गियरिंग्स है ये तो बेसिकली हर जगह जो है आपको स्पर गियर जो है कोई यूज़ होता हुआ नज़र आएगा। दो तरह की टाइप हैं जी, एक्सटर्नल गियर भी हो सकते हैं, इंटरनल भी हो सकते हैं, दोनों जो हैं आपके सामने हैं। ये बेसिकली एक कह लें एनिमेशन है जिसमें आपको वर्किंग नज़र आ रही है, ठीक है, जहाँ ड्राइवर गियर ड्रिवन गियर को मूव करा रहा है। सो डायरेक्शन दोनों के एक दूसरे से ऑपोजिट है। उसके बाद हमारे पास हेलिकल गियर आ जाता है। तो हेलिकल गियर का बेसिकली आप कह सकते हैं कि दिस द टीथ ऑन हेलिकल गियर्स आर कट एट एन हेलिक्स एंगल साई टू द एक्सिस ऑफ गियर एज शोन इन दिस फिगर। ये बेसिकली आपको यहाँ से शायद क्लियर ना हो, मगर अगर आप ये इस फिगर में देखें और यहाँ से अगर आप ये हेलिकल जो है बेसिकली हेलिक्स आप देख रहे हैं, जो कि समवट कुछ इस तरह से ये ड्रॉ हो रहा है, और अगर हम इसे अक्रॉस द सर्कल ड्रॉ करें तो ये कुछ, अगर मैं इसको यहाँ से फ्रंट व्यू से इस व्यू से देख रहा हूँ, सो बेसिकली लाइन्स शो हो रही हैं। सो यही लाइन्स जो हैं यहाँ यहाँ बेसिकली शो हो रही हैं, और यहाँ जो आपके पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस कह लें या जो वर्टिकल एक ये स्ट्रेट लाइन है इससे, और ये जो हेलिक्स जो बेसिकली आपके पास ये एंगल बेसिकली शिफ्ट आ रहा है इसमें जो है डिफरेंस है, डैट इज़ द हेलिक्स एंगल। ओके, जो है कह लें कि दिस ग्रेजुअल एंगेजमेंट मेक्स हेलिकल गियर ऑपरेट मच मोर स्मूथली एंड क्वाइटली देन स्पर गियर। ये बेसिकली हेलिक्स एंगल की वजह से एक एडेड एडवांटेज है। वन इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट हेलिकल गियर इज दैट इफ द एंगल्स ऑफ द गियर टीथ आर करेक्ट दे कैन बी माउंटेड ऑन परपेंडिकुलर शाफ्ट एडजस्टिंग द रोटेशन एंगल बाई 90 डिग्रीज। आमतौर पर हम बेवल टाइप गियर यूज़ करते हैं 90 डिग्री रोटेशन के लिए, मगर आपके एंगल्स वगैरह अगर एक्यूरेट हैं सो हम हेलिकल गियर्स भी कुछ केसेज में यूज़ कर सकते हैं, विच साउंड इंटरेस्टिंग। ओके, ये जो है हमने डिस्कस किए अभी, ठीक है, हेलिक्स को हमने डिस्कस किया और ये बेसिक उसकी दो टाइप्स हैं। उसके बाद हेरिंग बोन गियर्स हैं। हेरिंग बोन गियर बेसिकली आपके पास हेलिकल गियर ही है, मगर अगर आप यहाँ नॉर्मल हेलिकल गियर देखें तो इसका हेलिक्स जो है बेसिकली एक साइड पर था, यानी कि यह बेसिकली जो इसका हेलिक्स है आपको इस केस में ये समवट आपको राइट हैंडेड आपको नज़र आ रहा है,
मगर आप जो है, और ये हमने बात की कि जो स्पर गियर है उसकी निस्बत इसकी ज़्यादा स्मूथ ट्रांसमिशन है, बट इसी को कह लें कि इसी का एक आगे एक फॉर्म है विच इज़ हेरिंग बोन गियर्स। हेरिंग बोन गियर में क्या होता है कि हम वो लेफ्ट हैंड जो थ्रेडिंग्स है या फिर आप लेफ्ट हैंड जो आपकी गियर्स दी थे हम वो भी इंस्टॉल कर देते हैं, या और राइट हैंड भी, यानी कि बेसिकली आपने दो अलहदा अलहदा आपके पास जो हैं गियर्स से जिनको आपने कंबाइन कर दिया। इनको कंबाइन करने का फ़ायदा ये होगा, सबसे बड़ा ये है कि आप इसके थ्रू हम एक्सियल थ्रस्ट जो है उसको अवॉइड कर सकते हैं। टू हेलिकल गियर्स ऑफ अपोजिट हैंड कैन बी माउंटेड साइड बाई साइड टू कैंसिल रिजल्टिंग थ्रस्ट फोर्सेज एज वी डिस्कस्ड अर्लियर। हेरिंग बोन गियर्स आर मोस्टली यूज ऑन हैवी मशीनरी, ठीक हो गया। सो ये बेसिकली इसका एडवांटेज है। ओके उसके बाद जो है हम रैक एंड पिनियन गियर्स की बात कर लेते हैं। रैक एंड पिनियन गियर्स जो हैं ज़्यादातर हमारे पास यूज़ होते हैं कार्स वगैरह में, स्टेयरिंग वगैरह में। रैक एंड पिनियन गियर्स आर यूज टू कन्वर्ट रोटेशन इन टू लीनियर मोशन, ठीक हो गया। यानी कि सिंपल आपका स्पर गियर मूव कर रहा है, आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो सिंपल ट्रैक के ऊपर मूव कर रहा होगा। इसको जो है हम एक एनिमेशन से भी देख सकते हैं। आप यहाँ सिंपल देख रहे हैं कि स्पर गियर की राउंड मूवमेंट को जो है हम लीनियरली कन्वर्ट कर रहे हैं वाया द रैक। ओके सो उसके बाद जो है हम बेवल गियर्स की बात करेंगे। बेवल गियर अभी हमने एक दो बार हमारे जो है ये डिस्कशन हो भी चुकी है। बेवल गियर्स आर यूजफुल व्हेन द डायरेक्शन ऑफ शाफ्ट रोटेशन नीड्स टू बी चेंज्ड। दे आर यूजली माउंटेड ऑन शाफ्ट दैट आर 90 डिग्रीज अपार्ट बट कैन बी डिजाइन टू वर्क एट अदर एंगल्स एज वेल, या फिर किसी भी एंगल के हम जो है स्पेसिफिकली बेवल गियर डिज़ाइन कर सकते हैं। बेवल गियर्स जो द टीथ ऑन द बेवल गियर्स कैन बी स्ट्रेट, स्पायरल और हाइपोइड। स्ट्रेट और स्पायरल वगैरह का जो है हम डिस्कस भी करेंगे, और हाई पॉइंट जो है वो शेप जो है हमारे खैर कोर्स में शामिल नहीं है, उस वजह से हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। लोकोमोटिव्स, मरीन एप्लीकेशन, ऑटोमोबाइल्स, प्रिंटिंग प्रेसेस, कूलिंग टावर्स, पावर प्लांट, स्टील प्लांट्स, रेलवे ट्रैक इंस्पेक्शन मशीन एट्सेट्रा, जो है ये तमाम इन जगहों पर हमारे पास बबल गियर यूज़ हो रहा होता है। ये जो है हमारे पास जो आपको ये नज़र आ रहे हैं, ठीक है, दिस वन इज़ द स्ट्रेट बेवल गियर, दिस वन इज़ बेसिकली द स्पायरल बेवल गियर, ठीक है। और ये बेसिकली आपके पास एक स्ट्रेट बेवल गियर है और उसकी आपको एक मूवमेंट नज़र आ रही है कि बेसिकली 90 डिग्री रोटेशन इसमें शाफ्ट में अकर हो रही है। उसके बाद वॉर्म गियर की बात कर लेते हैं। बेसिकली वॉर्म गियर्स आर यूज व्हेन लार्ज गियर रिडक्शंस आर नीडेड। इट इज़ कॉमन फॉर वॉर्म गियर्स टू हैव रिडक्शंस ऑफ 20:1 एंड अप टू 300:1 और ग्रेटर। यानी कि बेसिकली गियर रिडक्शन रेशोज आप लोगों ने मैकेनिक्स ऑफ मशीन में भी आपने पढ़ा होगा, जो वेलोसिटी रेशियो वगैरह है डैट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ टीथ। सो इसका मतलब यह है कि आपके पास वेलोसिटी रिडक्शन आपको 20:1 तक की या 300:1 तक की अचीव हो सकती है अगर हम वॉर्म गियर यूज़ कर रहे हैं। मैनी वॉर्म गियर्स हैव एन इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी डैट नो अदर गियर सेट हैज़। इसमें बेसिकली हमारा एडवांटेज ये है कि वॉर्म कैन ईजिली टर्न द गियर बट द गियर कैन नॉट टर्न द वॉर्म। वॉर्म गियर्स आर वाइडली यूज इन मटीरियल हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन मशीनरी, मशीन टूल्स, ऑटोमोबाइल एक्सेट्रा। इसका क्या मतलब है? बेसिकली ये आपको जो है इमेज में आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास ये जो स्मॉलर गियर है कह लें जो कि शाफ्ट के ऊपर है, बेसिकली डैट इज़ द वॉर्म और डाउन जो है डैट इज़ द गियर। सो इसका जो सबसे बड़ा फीचर है वो ये है कि आपके पास यहाँ वॉर्म जो है डैट कैन मूव द गियर बट द गियर कैन नॉट मूव द वॉर्म। सो ये बेसिकली इसका एडवांटेज है। इसको मज़ीद जो है जब ये वॉर्म गियर के डिज़ाइन हम कवर करेंगे सो वहाँ हम इसको कवर भी कर रहे होंगे। ओके सो इसके अलावा जो है कुछ नॉन सर्कुलर गियर भी यूज़ होते हैं, ठीक है, जो कि स्पेशल एप्लीकेशन वगैरह के लिए यूज़ हो सकते हैं, ठीक है, फिगर्स आपके सामने हैं। ओके उसके बाद जो है हम नोमन क्लेचर की बात कर लेते हैं। अगर हम नोमन क्लेचर की बात करें जो अभी तक हमारे पास डाटा मौजूद है, बल्कि इनफैक्ट जो है हम तमाम चीज़ें जो है उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है हमारे पास आना है ये बेस सर्कल है, उसके बाद पिच सर्कल है, उसके बाद क्लियरेंस है, फिलेट रेडियस, एडेंडम है, डिडेंडम है, होल डेप्थ को हम उसका जिक्र करेंगे, वर्किंग डेप्थ की बात करेंगे। ओके और इसको जो है हम यहाँ से इस स्लाइड के रेफरेंस से बेसिकली हम बात करना पसंद करेंगे। सबसे पहले जो है पिच सरफेस। पिच सरफेस द पिच ऑफ द इमेजिनरी रोलिंग सिलेंडर दैट दैट गियर में बी कंसिडर टू रिप्लेस। बेसिकली होता क्या है? होता ये है कि जब आप इमेजिन करें जितने भी यहाँ आपने गियर की फ़ोटोज़ दरमियान में देखें या स्पर गियर की हम बात करें, सो बेसिकली होगा क्या
कि ये गियर जब मूव कर रहा है सो एक ऑपोजिट गियर का टीथ जो है समवर्ट हेयर यहाँ आ रहा होगा। अब वो जो कॉन्टैक्ट बेसिकली डेवलप होता है वो इस पॉइंट पे यहाँ करके डेवलप होगा बेसिकली, जो कि आपके पास सर्कुलर पिच है। सो अगर आप इस पॉइंट को कुछ इस तरह से इमेजिन करो कि आपके पास दो बॉल्स हैं और दोनों बॉल्स एक दूसरे के अगेंस्ट इस तरह कॉन्टैक्ट होकर रोटेट कर रही हैं, सो बेसिकली अगर वो जो कॉन्टैक्ट सरफेस है अगर आप उसको जो है आप राइट साइड से देखोगे या फिर उसका जो अलॉन्ग द एक्सिस जो उसका जो लार्जेस्ट जो साइड है अगर उसके व्यू से आप देखोगे, जिसको हम राइट साइड व्यू बोलते हैं, राइट राइट सेक्शन व्यू बोलते हैं बेसिकली, सो वहाँ से आपको ये सिर्फ आपको जो स्फेयर है वो एक सर्कल के तौर पे नज़र आएगा। और वो सर्कल कह लें कि ये जो हम यहाँ पिच सर्कल बेसिकली बात कर रहे हैं, पिच सर्कल बेसिकली उस आगे वो जो सरफेस है उसको हमने मज़ीद अगर उसका व्यू डेवलप किया तो वो पिच सर्कल में बन जाएगा। यानी कि आप कुछ ऐसे इमेजिन करें कि जिस तरह आपने ऑटो कैड के अंदर जो है अगर आप प्रॉपर रीजन नहीं करते थे तो वो शेल बन जाता था, यानी कि कंप्लीट बॉडी नहीं बनती थी। तो आप इसको कुछ ऐसे इमेजिन करें कि जो पिच सरफेस है जो कि हमने यहाँ सबसे पहले बात की, जो पिच सरफेस है जो इमेजिनरी रोलिंग सिलेंडर की बात कर रहे हैं, वो बेसिकली एक सर्कुलर एक या एक स्फेयर था जो कि आपने डिज़ाइन करना था, मगर यानी कि जिसमें आपने बेसिकली रोटेशन शो कराए थे, मगर आपने चूंकि प्रॉपर रीजन नहीं किया तो वो शेल टाइप बेसिकली एक हॉलो सिलेंडर सॉर्ट ऑफ बन गया। अब होगा क्या कि अगर उस सिलेंडर को आप मज़ीद जो है कह लें कि जो है राइट सेक्शन जो है उसे देखेंगे तो वो बेसिकली आपको एक सर्कल के तौर पे नज़र आएगा, जिसको हम पिच सर्कल बोलते हैं, जो कि आपको यहाँ नज़र भी आ रहा है। ठीक है, दिस पिच सर्कल, ये बेसिकली वो सर्कल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आगे जो है इसकी बेस पे बाकी तमाम चीज़ें बेस कर रही होंगी। उसके बाद जो है हमारे पास अडेंडम सर्कल है। अडेंडम सर्कल जो है सर्कल बाउंडिंग द एंड्स ऑफ द टीथ इन अ राइट सेक्शन ऑफ द गियर। सिंपल जो एंड ऑफ द गियर है अगर हम उसके अराउंड एक सर्कल बनाएं, ठीक है, बेसिकली डैट वुड बी कॉल्ड द अडेंडम सर्कल। पिच सर्कल से लेके यानी कि जो पिच सर्कल का रेडियस है उसमें जो है अगर हम अडेंडम ऐड कर देंगे तो हम अडेंडम सर्कल तक पहुंच जाएंगे। बेसिकली दिस डिस्टेंस इज अडेंडम। इसी तरह जो है जो ये वाला पार्ट है डैट इज डिडेंडम, जिसको जो है यहाँ आगे हम रूट सर्कल भी बोलते हैं या फिर डिडेंडम भी इसे हम बोलेंगे। द सर्कल बाउंडिंग द स्पेसिस बिटवीन टीथ इन अ राइट सेक्शन ऑफ द गियर। ठीक है, ये हमारे पास जो है दिस वन इज़ द डिडेंडम। ठीक है, यहाँ तक बेसिकली क्या होगा कि जो इसके ऑपोजिट गियर होगा वो तकरीबन उसका जो एडेंडम होगा वो यहाँ तक आ रहा होगा। ठीक है, दिस पॉइंट यहाँ तक आ रहा होगा। ओके, उसके बाद जो है हमने एडेंडम और डिडेंडम को हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि रेडियल डिस्टेंस बिटवीन द पिच सर्कल एंड द एडेंडम सर्कल एंड द रूट सर्कल रिस्पेक्टिवली। उसके बाद क्लियरेंस है, विच इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिडेंडम ऑफ वन गियर एंड एडेंडम ऑफ द मीटिंग गियर। सो जैसे कि मैंने आपको पहले बात की कि ये कुछ डिस्टेंस जो है ये रह जाएगा, ये बेसिकली क्लियरेंस है, और क्लियरेंस इज बेसिकली जो आपके पास ये गियर है इसका ये डिडेंडम, और इसमें से जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे जो एडेंडम होगा मीटिंग गियर का, जो गियर इसके साथ मीटअप हो रहा है, सो उसके इनका जो डिफरेंस है डैट वुड बी बेसिकली द क्लियरेंस। क्लियरेंस इस वजह से भी ज़रूरी है ताकि जो आपके पास बेस सर्कल है उसके साथ इन कॉन्टैक्ट ना आए मीटिंग गियर, और उसकी वजह से कोई इम्पैक्ट वगैरह इस तरह का जो है फिनोमेना ना कर रहे, प्रॉब्लम ना कर रही, क्योंकि पावर ट्रांसमिशन हो रही है। ओके, उसके बाद जो है क्लियरेंस को हमने डिस्कस कर लिया, उसके बाद जो है हम फेस की बात कर लेते हैं और फ्लैंक की बात कर लेते हैं। फेस आउट ऑफ द टूथ इज़ द पार्ट विच इज़ लाइंग आउटसाइड द पिच सर्फेस, और फ्लैंक ऑफ द टूथ इज़ द पार्ट लाइंग इनसाइड द पिच सर्फेस। सो बेसिकली पिच सर्फेस आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि बेसिकली हम ये पिच सर्कल की बात कर रहे हैं। सो गियर का वो पार्ट जो कि क्रॉस इट्स थिकनेस या फिर कह लें जो थर्ड डायमेंशन जो इसकी विड्थ है, अगर उसमें जो है जो पार्ट पिच सर्कल से ऊपर लाया कर रहा है उसको हम फेस बोलेंगे, और वो पार्ट जो कि पिच सर्कल से नीचे है उसको हम फ्लैंक बोलेंगे। ओके, फेस और फ्लैंक को डिस्कस कर लिया, उसके बाद जो है हम टूथ थिकनेस की बात कर लेते हैं। थिकनेस ऑफ द टूथ मेजर्ड ऑन पिच सर्कल इट इज़ द लेंथ ऑफ एन आर्क एंड नॉट ऑफ द स्ट्रेट लाइन। बेसिकली टूथ थिकनेस जो है वो हमारे पास टी अगर हम से डिनोट करते हैं, और ये बेसिकली पिच सर्कल के ऊपर जो आपके पास बेसिकली फ्रॉम द वन पैक टू अनदर पैक ये जो डिस्टेंस है डैट इज़ बेसिकली द टूथ थिकनेस एंड डैट इज़ मेजर्ड ऑन द पिच डायमीटर। ठीक है, पिच सर्कल के ऊपर बेसिकली मेजर किया जाता है, डैट इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन, बेसिकली डैट इज़ अ कर्व। ठीक है, थोड़ा सा आइडिया भी आपको हो रहा होगा उसके साथ।
अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास है टूथपेस्ट। ठीक है, टूथपेस्ट बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट टीथ मेजर्ड ऑन पिच सर्कल, बेसिकली डैट इज़ द टूथपेस्ट। ठीक है, या फिर इसको जो है आप कह लें कि हम इसको जो है आगे सर्कुलर पिच जो है बेसिकली आ जाता है, उसको भी ये भी कवर कर लेते हैं कि द विड्थ ऑफ अ टूथ एंड द स्पेस मेजर्ड ऑन द पिच सर्कल, डैट इज़ बेसिकली द सर्कुलर पिच। सो अगर हम बात करें, ठीक है, ये हमारे पास जो है विड्थ है, ठीक है, और ये हमारे पास जो है टूथ है। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ से इस पॉइंट से लेके, यानी कि आप इसको यूँ समझ लें जिस तरह हम वाइब्रेशन या सिंपल हम साइनोसाइडल वेव की बात करते हैं कि एक क्रस्ट से लेके अगले क्रस्ट तक का जो बेसिकली डिस्टेंस है, या फिर इस केस में क्या होगा कि हमारे पास यहाँ से जो है एक टीथ के यहाँ से सर्कुलर पिच पे यहाँ से डिस्टेंस लेके जो नेक्स्ट टीथ आएगा वहाँ उसके इस पॉइंट तक, ये जो डिस्टेंस है डैट वुड बी कॉल्ड द सर्कुलर पिच। ओके, और उसके बाद जो है साथ ही हमने जो है एक दूसरी चीज़ डिस्कस की थी, विच वॉज टूथ स्पेस। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट टीथ मेजर्ड ऑन द पिच सर्कल, बेसिकली वो विड्थ ऑफ स्पेस, ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली डैट इज़ द थिंग। उसके बाद बैकलैश की बात कर लें, डिफरेंस बिटवीन सर्कल थिकनेस ऑफ वन गियर एंड द टूथ स्पेस ऑफ द मीटिंग गियर। ओके, सो बेसिकली आप एक गियर की जो है आपने टूथ स्पेसिंग लेनी है ड्रिवन गियर की, और टूथ थिकनेस आपने लेनी है ड्राइवर गियर की, मेजर्ड ऑन पिच सर्कल, इंदर के दरमियान जो डिफरेंस होगा डैट इज़ बेसिकली द बैकलैश। बैकलैश को जो है हमने खैर बेल्ट्स वगैरह में भी हमने कवर किया था, बिल्कुल वही सिंपल कॉन्सेप्ट है कि आपके पास ट्रांसमिशन में बेसिकली एक लैग जो आ रहा है ड्यू टू कह लें कि आपके पास प्रॉपर मेट नहीं हो पा रहे। ठीक है, या फिर या आप यूँ समझें कि अगर आपका जो गियर है वो प्रॉपर टीथ आपस में मैच नहीं हो पा रहे, फॉर सम रीज़न कुछ पार्ट जो है वहाँ मिसिंग आ रहा है, या फिर वहाँ आइदर जो है वहाँ आपका मटेरियल नहीं है, या फिर यूज़ हो कि मटेरियल जो है वहाँ से ब्रेक डाउन कर गया, तो बेसिकली उसकी वजह से बैकलैश आएगा या लैग आएगा जब पावर ट्रांसमिशन आता है। सो दैट बेसिकली द लैग इज़ कॉल्ड बैकलैश। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं सर्कुलर पिच की। सर्कुलर पिच इज़ बेसिकली द विड्थ ऑफ अ टूथ एंड स्पेस मेजर्ड ऑन पिच सर्कल, यानी कि अगर हम जो है फिगर से बात करें, सो डैट इज़ बेसिकली सिंपल आपके पास जो है एक आपके पास ये टीथ का ये जो डिस्टेंस है, ठीक, दिस वन, और उसके बाद जो विड्थ है यानी कि ये बेसिकली यहाँ तक, जिसे आप कह लें कि जिस तरह आप जो है वेव्स के बारे में आप पढ़ते हैं कि जी द डिस्टेंस बिटवीन द क्रस्ट एंड द ट्रफ, या फिर फ्रॉम क्रस्ट टू द नेक्स्ट क्रस्ट। सो सिंपल जो है उसके लिए रिलेशन हमारे पास ये है पाई डी ओवर एन, और इसके जो यूनिट्स हैं 2000 इंचज़ और मिलीमीटर। ओके, सो डैट इज सर्कुलर पिच। उसके बाद जो हमारे पास डायमीटर पिच आ जाती है, डायमीटर पिच जो है डैट इज़ बेसिकली द नंबर ऑफ टीथ पर यूनिट पिच डायमीटर, और डायमीटर पिच के जो यूनिट्स हैं 2000 टीथ पर इंच, या फिर आप कह लें कि 1 ओवर इंच आप कह लें, यानी कि दोनों दोनों तरह का आ जा सकता है। और जो मॉड्यूल है वो बेसिकली इसका रेसिप्रोकल है, उसमें पिच डायमीटर डिवाइड बाई नंबर ऑफ टीथ आप कर देंगे तो वो हमारे पास मॉड्यूल हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ कंफ्यूजिंग हो सकती है, सो आपने ये बात याद रखनी कि जो डायमीटर पिच जहाँ भी यूज़ होगी वहाँ कैपिटल पी यूज़ हो रहा होगा। ठीक है, वो बेसिकली वो शो करेगा कि वो डायमीटर पिच है, और उसके साथ जो है यूनिट्स जो हैं वो एमएम आपके पास कह लें कि टीथ पर इंच आ रहा होगा यूनिट। ऑन द कॉन्ट्रेरी जो सर्कुलर पिच है उसके जो यूनिट्स हैं वो या इंच होंगे या एमएम में होंगे। ठीक है, और वो स्मॉल पी के साथ होगा। देखें, इसके साथ पर टीथ ये क्यों नहीं आ रहा, यानी कि क्वेश्चन जो है आपके माइंड में आ सकता है। उसकी वजह यह है कि जब हम ये पाई डी कंसिडर कर रहे हैं तो हम बेसिकली गियर का वो कंप्लीट सर्कल कंसिडर कर रहे हैं। सो अगर हम कंप्लीट सर्कल में कंसिडर करेंगे, कंप्लीट सर्कल में टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने हैं, तो लेट से मैं कह देता हूँ कि जी द स्पर गियर हैज़ 18 टीथ। ठीक है, सो इसका मतलब है कि 18 टीथ पर सर्कल, या फिर फॉर कंप्लीट सर्कल आप कह लें बात, ये यूं ही हम लिखेंगे। जबकि पाई डी जो है बेसिकली वो आपके पास क्या है, बेसिकली वो है सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। सो इस वजह से जब कंप्लीट सर्कल की बात हो रही है, सो वो जो एक फैक्टर है पर टीथ वगैरह वाला, वो
वो निगलेक्ट हो जाएगा इसमें, इस वजह से वो यूनिट नहीं आएंगे। ओके, उसके बाद जो है हमारे पास वेलोसिटी रेशियो है। वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द इनपुट गियर टू दैट ऑफ आउटपुट गियर एंड टॉर्क रेशियो रेसिप्रोकल ऑफ वेलोसिटी रेशियो। इसमें जो है आपके पास यहाँ सिंपल, अगर हमने वेलोसिटी रेशियो फाइंड आउट करनी हो आउट ओवर इन, ठीक है, हमारे केस में जो आउट है डैट इज़ द ड्रिवन और जो इन है डैट इज़ बेसिकली द ड्राइवर। और यहाँ जो है आपके पास नेगेटिव साइन इस वजह से आ रहा है कि अगर हम कहें कि एक्सटर्नल गियर सेट है, यानी कि एक्सटर्नल मैशअप हो रहे हैं, अगर तो एक गियर है और उसके अंदर बेसिकली एक दूसरा गियर लाइक आ रहा है, यानी कि इंटरनल मैशअप है, सो उस केस में यहाँ साइन पॉजिटिव होगा। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि जो आउट है डैट इज़ द ड्रिवन और ये हमारे पास जो इन है डैट इज़ द ड्राइवर। डिफरेंट जो है इसमें हो सकती हैं, मसलन हम एंगुलर वेलोसिटी या स्पीड से भी कर सकते हैं, नंबर ऑफ टीथ से भी निकाल सकते हैं, या फिर डायमीटर जो पिच डायमीटर है उससे भी हम ये रेशियो निकाल सकते हैं। और टॉर्क रेशियो जो है वो इसके बिल्कुल रेसिप्रोकल इसका होगा, जैसे हमने अभी डिस्कस भी किया। और यहाँ बेसिकली ये एक एनिमेशन है जिसमें एक आइडलर गियर वगैरह जो है वो यूज़ हो रहा है। सो आइडलर गियर जो है वो सिंपल बाईपास करेगा और हम सिर्फ जो इन और आउट जो फर्स्ट और सेकंड जो फर्स्ट और लास्ट गियर होगा बेसिकली उसको हम कंसिडर कर रहे होंगे वेलोसिटी रेशियो में। ये जो है हमारे पास ये कहना कि एक चार्ट है, अगर हमने गियर कंस्ट्रक्ट करना हो तो ये कुछ इसके बेसिक पैरामीटर्स हैं। ये जहाँ यूज़ होगा उसको हम जो है आगे लेक्चर के एंड पे एक एग्जांपल के थ्रू हम उसे डिस्कस भी करने की कोशिश करेंगे। ओके, उसके बाद जो है ये जो फिगर आपके पास सामने आपको नज़र आ रही है, ये बेसिकली कह लें कि सॉर्ट ऑफ एक ग्राफिकल जो है डिस्क्रिप्शन है। कह लें कि अगर आपने फाइंड आउट करना हो टूथ साइजेस फाइंड आउट करना फॉर वेरियस डायमीटर पिचेस, सो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो है ये डायमीटर पिच हैं, ठीक है, ये तमाम, और इसके अगेंस्ट अगर आप ये डायमीटर पिच रखेंगे तो टीथ का साइज़ कुछ इस तरह का आपको रखना पड़ेगा। सो वो बेसिकली हमें यहाँ नज़र आ रहा है। सो इसी तरह जो है जो स्पर गियर है उसमें जो प्रेशर एंगल 14.5 पहले रखा जाता था वो अब ऑब्सोलीट हो गया है। क्यों ऑब्सोलीट हो गया हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। 20 और 25 मोस्टली आजकल रखे जाते हैं। फेस विड्थ जो है डेट शुड बी इन बिटवीन द 3 times सर्कुलर पिच टू 5 times सर्कुलर पिच, इनके दरमियान कहीं लाइक करना चाहिए। ओके, अच्छा इसमें यार एक जो ये रिलेशन आ रहा है P = π/P, इसको जो है हम यहाँ कवर कर लेते हैं। ये रिलेशन जो है मैं यहाँ लिखूँगा, ठीक है, और डिफरेंस रहे मैं इसको ऐसे लिखूँगा π/d/n, ठीक है। और ये आपके पास ये देख रही है इसके बेसिकली सिंपली रेसिप्रोकल है, सो सर्कुलर पिच वुड बी इक्वल टू π/p/d, या फिर मैं लिख सकता हूँ कि सर्कुलर पिच इनटू डायमीटर पिच इज इक्वल टू पाई। सो ये रिलेशन जो है बेसिकली यहाँ यूज़ हुआ है और यहाँ हमारे पास जो है ये रिलेशन आ गया। उसके बाद ये कुछ स्टैंडर्ड गियर टीथ में कह लें कि डायमीटर पिच के, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट कह लें या फिर कमर्शियली जो अवेलेबल गियर सेट्स होते हैं उनके लिए कुछ गिवन है कि जो कमर्शियली अवेलेबल गियर सेट्स होंगे, कोर्स अगर वो डिज़ाइनिंग है सो कुछ ये डायमीटर पिच, अगर मज़ीद फाइन उसे करेंगे तो कुछ ये डायमीटर पिचेज आपको मार्केट में अवेलेबल हो सकती हैं, या स्टैंडर्ड डिज़ाइन जो प्रोसीजर्स यूज़ होते हैं EGMA के, उनके अंदर आपको ये कैटलॉग के अंदर ही मिलेंगे। इसी तरह मॉड्यूल्स हैं, ठीक है, यानी कि N/D, ठीक है, यहाँ हमने ये डिस्कस भी किए, सॉरी D/N, ठीक है, पिच डायमीटर डिवाइड बाय नंबर ऑफ टीथ, उसके रेसिप्रोकल होता है। ओके, सो वो जो है मॉड्यूल उसकी बेस पे जो है कह लें कि हम यहाँ इसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है, या सॉरी नॉट मेजर मेजर आपको जो है EGMA की जो कैटलॉग है उसमें ये स्टैंडर्ड कह लें कि ये साइजेज हैं जो हम स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, कह लें हम ये स्टैंडर्ड साइजेज बेसिकली हम डिज़ाइन करते हुए ये गियर टीथ रखते हैं। यानी कि लेट से आपके पास 1.125 या 1.375 जो है हम अगर मॉड्यूल है इसके दरमियान कहीं जो है 1.45 या 1.57 लेट से समवट सॉरी नॉट 1.17 आप इसे यूँ समझें कि 1.3 अगर लेट से समवट दरमियान में आ जाए तो 1.3 हम मॉड्यूल नहीं रखेंगे,
बल्कि उसको या तो जो है 1.375 पे ले जाएंगे, 1.15 ले जाएंगे। सो बेसिकली ये इसकी जो है बेसिक कॉन्सेप्ट है। ओके,